हेलो फ्रेंड्स, अभिषेक डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं जियो का टावर या किसी और कंपनी का टावर अपने बिल्डिंग या अपने ज़मीन में कैसे लगवाएं। जैसे जियो कंपनी है वो खुद अपना टावर लगवाता है, लेकिन जैसे आइडिया, वोडाफोन ये सब होते हैं, ये इनका टावर कोई और कंपनी लगवाता है। जैसे इंडियन टावर हो गया, भारत हो गया, ETC टावर हो गया, ये सब ये काम करते हैं। तो चलिए मैं आज इसी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूँ, अगर आपके ज़मीन के आसपास या आपके बिल्डिंग के आसपास हॉस्पिटल है तो आप वहाँ पे टावर नहीं लगवा सकते, अगर आसपास हो तो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जियो को दिखा देता हूँ। आप यहाँ कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए jio.com। तो आप देख सकते हैं जियो का वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है जियो नेटवर्क पार्टनर। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ज़मीन है या बिल्डिंग है। तो आपके पास बिल्डिंग है तो ये चूज कर लीजिए, और आपके पास अगर ज़मीन है तो ये चूज कर लीजिए। चलिए मैं ज़मीन रहने दे रहा हूँ, प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ आप अपना एरिया का पिन कोड डाल लीजिए, जैसे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है, मैं इसे कन्फर्म कर लेता हूँ और नेक्स्ट। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अगर आपके पास जियो का है तो और अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ आप अपना OTP डाल लीजिए, आपके फ़ोन पे गया होगा एक OTP, और सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फ़ोन पर भी करके दिखा दूंगा। अगर आप उस ज़मीन का खुद ऑनर है तो यहाँ पर सेल्फ रहने दीजिए, या कोई और है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उनका डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं सेल्फ कर ले रहा हूँ, यहाँ पर नाम डाल लीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पूछ रहा है क्या उनका एड्रेस सेम है, तो मैं यहाँ सेम कर ले रहा हूँ। अगर नहीं होगा आपका तो यहाँ पे हाउस नंबर, यहाँ पे सब ये डाल लीजिएगा, लैंडमार्क, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, एरिया यानी कॉलोनी, यहाँ विलेज नेम, यहाँ बिल्डिंग, यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल लीजिएगा। अगर सेम है तो यहाँ पे सेम कर लीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है एरिया और यूनिट, यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए स्क्वायर फीट में है या स्क्वायर मीटर में है। यहाँ पर मैं स्क्वायर फिट कर ले रहा हूँ। यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए कमर्शियल या रेजिडेंटल है या इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में कर ले रहा हूँ। आप यहाँ चूज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट रोड कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से गवर्नमेंट का रोड गया हुआ है। आप ये फिल करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट सक्सेसफुल। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, इसे आप रख सकते हैं कॉपी करके या जैसे भी हो। अब मैं आपको मोबाइल से बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्रोम को ओपन कर लीजिए या कोई ब्राउज़र को, आप सर्च बार में सर्च कीजिए jio.com। तो आप देख सकते हैं वही वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप सबसे नीचे में चले जाइए, यहाँ यूजफुल लिंक्स दिया है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जियो नेटवर्क्स पार्टनर पर क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ से जानते हैं कि मैंने वहाँ लैपटॉप पर बताया है अपना, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू कर लीजिएगा। बिल्डिंग के लिए यहाँ से प्रोसीड कर लीजिए, और यहाँ पे जहाँ पे आपको, जहाँ पे आपका बिल्डिंग है वहाँ पे ले आकर इसे रख दीजिए। अब मैं आपको माय जियो एप्लीकेशन से बता देता हूँ। आपके पास माय जियो एप्लीकेशन हो तो उसे ओपन कर लीजिए और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ सबसे नीचे आपको मिलेगा जियो पार्टनर का, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब देख सकते हैं वहीं वाला एकदम है, यहाँ से लोकेशन मांग रहा है, यहाँ से प्रोसीड कर लीजिए सिलेक्ट करके, यहाँ से सेम वही है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। अब मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, आप ब्राउज़र में आकर यहाँ पर सर्च कीजिएगा इंडस टावर, तो आपके पास ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे लैंड लोडर पर क्लिक कर लीजिए और आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर छोटा सा फॉर्म मिलेगा फिल करने के लिए, आप फिल कर लीजिए। मैं फिल कर चुका हूँ, यहाँ कन्फर्म सेंड OTP पर क्लिक कर लीजिए। आपके पास OTP गया होगा, आप यहाँ पर डाल लीजिएगा और कॉन्फर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये लोकेशन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है मेरा। अगर आपको इधर उधर करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इधर उधर कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ से पिन, अपना इंटीरियर पिन कोड यानी अपना एरिया का पिन कोड डाल कर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ अगर आपका लोकेशन मिल जाए तो यहाँ कन्फर्म लोकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ आपसे कुछ डिटेल्स लिया जाएगा, जैसे IMA ओनर, आप ओनर हो तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, अगर ब्रोकर हो या अदर हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं ओनर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि आपका बिल्डिंग है या फोल्ट या अदर,
मैं यहाँ पे जमीन चूज कर ले रहा हूँ। बोल, यहाँ पूछ रहा है ओनरशिप इंडिविजुअल है या ज्वाइंट है या अदर है। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कर ले रहा हूँ क्योंकि ज्वाइंट नहीं है उसमें। कैटेगरी रिलेशन या कमर्शियल या अदर, तो मैं यहाँ पे रेसिडेंटल सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ फाइनल एंड सबमिट पर क्लिक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे दे रहा है थैंक यू। अब ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद आपके पास इंडस्ट्री टावर की तरफ से कॉल आएगा और आपसे कुछ पूछताछ करेंगे लोग। आप उसको डिटेल्स बताकर अपना कंफर्म करा सकते हो। पर ध्यान रखिएगा, इसमें एक रुपया का भी मांग नहीं होता। अगर आपसे कोई बैलेंस मांगे तो इनकार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बैलेंस का कोई काम नहीं पड़ता है। जो भी काम होता है कंपनी खुद करता है। चलिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ भारत का। आप यहाँ भारत पाइएगा और आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। ये हरियाणा के लिए है और यहाँ पे न्यू दिल्ली के लिए है। अगर आपके आसपास दिल्ली पड़ता है तो आप दिल्ली से कॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे हरियाणा। इसमें आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, यहाँ पे कॉल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको चौथा बता देता हूँ, एटीसी टावर। यहाँ पे देख सकते हैं एटीसी टावर है। यहाँ इस पर भी कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे भी आपको नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे भी फॉर्म नहीं मिलेगा आपको फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली से हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हरियाणा या गुड़गांव से हैं तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित जितना भी इस टावर का लिंक है, मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।